हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम 100% नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव रागी हेयर मास्क बनाएंगे। बेसिकली ये हेयर मास्क आपके बालों को दुगनी तेज़ी से बढ़ाएगा। ये आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर कर आपके बॉन्डनेस यानी कि गंजेपन की समस्या को भी दूर करेगा। ये आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकेगा। ये आपके ड्राई डर फ्रिजी बालों को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और शाइनर भी बनाएगा। ये आपके स्प्लिट एंड्स को क्योर करेगा, साथ ही आपके पतले बालों को घना भी बनाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये आपके स्कैल्प इश्यूज जैसे कि डैंड्रफ और खुजली की समस्या को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आइए इस 100% नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव हेयर मास्क को बनाना शुरू करते हैं। रागी हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्लीन बोल में ये 4-5 चम्मच रागी फ्लार यानी कि रागी का आटा ले लेंगे। तो यह रागी फ्लार की क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। रागी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। ये हमारे गंजेपन यानी कि बॉन्डलेस की समस्या को भी दूर करता है। प्लस इससे हमारे बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होते। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 बड़ा चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारे स्प्लिट एंड्स को क्योर करता है और साथ ही हमारे डैमेज बालों को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू हमारे स्कैल्प पर से सारी डर्ट इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारे स्कैल्प को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारे डेंड्रफ और खुजली की समस्या को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, ये हमारे बालों को बहुत ही काला लंबा और मजबूत बनाता है और साथ ही हमारे पतले बालों को भी घना बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 3-4 चम्मच योगर्ट यानी कि दही ऐड करेंगे। दही हमारे बालों पर एज अ कंडीशनर का काम करती है। ये हमारे ड्राई डल फ्रिजी बालों को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और शाइनर बनाती है और साथ ही हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन कर हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हेयर मास्क की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा हेयर मास्क बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लें और इसे अपने हेयर स्कैल्प से लेकर हेयर टिप तक अच्छे से अप्लाई करें। और इसे अपने सारे बालों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप अपने बालों को शावर कैप से कवर कर लें और इसे 1 घंटे के लिए लगा छोड़ दें। और लगभग 1 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। इस हेयर मास्क के बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे महीने में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। साथ ही आपके रूखे सूखे बालों में भी चमक आ जाएगी। आपके स्प्लिट एंड्स भी क्योर होने लगेंगे, साथ ही आपके डैंड्रफ और खुजली की समस्या भी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी 100% नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव हेयर मास्क को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।